मुद मंगलमय संत समाज सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सत्संग कार्यक्रम में हम सब विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं। विद्यालय विद्या की जगह, जहां अध्यापक, शिक्षक छात्रों को विद्या देते हैं। यहां जो विद्या मिलती है, व्यवहारिक विषयों की विद्या मिलती है, केवल उससे जीवन गुजर होता है। आत्मसंतोष की प्राप्ति उससे नहीं होती, उसके लिए अध्यात्म विद्या की आवश्यकता होती है। मैं कह रहा था कि हम विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं, तो बात यहीं से हम शुरू करें और विद्यालय, अध्यापक और छात्र, इनके संबंध में छोटी छोटी दो कहानियां, फिर उसके आधार पर ही आगे की बात। ऐसे एक विद्यालय में अध्यापक बच्चों को हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहे थे और उस दिन व्याकरण में अध्यापक बच्चों को समझा रहे थे काल रचना, कि एक ही क्रिया विभिन्न काल में कैसे रूप बदलती है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीन काल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अंग्रेजी में हम कहते हैं। और बताया अध्यापक ने बच्चों को कि बच्चों, मैं खाता हूं, यह वर्तमान काल है। मैं जाता हूं, यह भी वर्तमान काल है। मैं खाता था, मैं जाता था, यह भूतकाल है। मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, यह भविष्य काल है। और हर क्रिया ऐसे ही रूप बदलती है। जहां था होगा वहां भूतकाल होगा, जहां है या है वहां पर वर्तमान काल होगा, और जहां गा होगा, गागे गी ये होंगे, वहां पर भविष्य काल होगा। खूब पढ़ाया एक घंटे तक, फिर पूछा, बताओ बच्चों, अब ये बताओ, क्या ये काल रचना तुम लोगों की समझ में आ गई? सभी छात्रों ने हाथ उठाया कि हां सर, समझ में आ गई। तब अध्यापक ने कहा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, अब मैं तुम लोगों से प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर देना। सावधान होकर प्रश्न को सुनो। बच्चे सावधान हुए। अध्यापक ने प्रश्न किया, बच्चों ये बताओ, मैं तंबाकू खाता हूं। अध्यापक ने प्रश्न किया, बच्चों मैं तंबाकू खाता हूं, इसका भविष्य काल क्या होगा? एक एक करके पूछने लगा। सभी बच्चों ने यह बताया कि सर, मैं तंबाकू खाता हूं, इसका भविष्य काल यह होगा कि मैं तंबाकू खाऊंगा। अध्यापक का प्रश्न था कि मैं तंबाकू खाता हूं, इसका भविष्य काल क्या होगा? बच्चों ने बताया कि सर, इसका भविष्य काल होगा मैं तंबाकू खाऊंगा। अंत में एक बच्चे की बारी आई। अध्यापक ने कहा था, बच्चे तुम लोग समझ गए कि सही सही उत्तर क्या होता, तुम लोग उत्तर बिल्कुल सही था। तो एक लड़के ने कहा, सर जो लड़कों ने उत्तर दिया है सही तो है, लेकिन पूरा सही नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पूरा सही उत्तर, पूरा सही भविष्य काल मैं बताऊं। अध्यापक को हैरानी हुई, खाता हूं का भविष्य काल तो खाऊंगा ही होगा, और सही बच्चे ने यह बताया कि मैं तंबाकू खाता हूं, इसका भविष्य काल होगा कि मैं तंबाकू खाऊंगा। अभी लड़का कहता कि सही भविष्य काल नहीं, सही उत्तर नहीं है। कहता, सही भविष्य काल मैं बताऊं, और क्या बताए गए,
थोड़ी हैरानी हुई, थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी अध्यापक ने बच्चों से कहा, अच्छा ठीक बताओ। तो बच्चे ने कहा, सर पहले आप अपने प्रश्न को दोहराइए, आपका प्रश्न क्या है? तो अध्यापक ने कहा, प्रश्न है मैं तंबाकू खाता हूं, इसका भविष्यकाल क्या होगा? बच्चे का सर इसका भविष्यकाल होगा आपको कैंसर होगा। सही नहीं, भविष्यकाल यह है इसका। किसी भी अध्यापक को किसी विद्यालय में पान खाकर तंबाकू खाकर कभी नहीं जाना चाहिए। किसी अध्यापक को विद्यालय में बीड़ी सिगरेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वैसे तो जीवन में नहीं करना चाहिए, और विद्यालय में जाकर के अध्यापक पान खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसे अध्यापक कैसे कहा जाए? विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्या का आलय, विद्या का घर। लेकिन थोड़ा दूसरा हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती आचार्य चतुर्थ शास्त्री एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, बड़े उपन्यासकार, कहानीकार, बहुत उनकी पुस्तकें हैं। उन्होंने व्यंग किया है विद्यालय और विद्यार्थी। विद्यालय का अर्थ होता है विद्या का घर, विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या की चाहना करने वाला, विद्या पढ़ने वाला। लेकिन आज जो अध्यापक और छात्रों की स्थिति हो गई है, देखने में आती है, उसके अनुसार उन्होंने व्यंग किया है। विद्यालय जहां जाने से विद्या का लय हो जाता हो उसे कहते हैं विद्यालय। यदि अध्यापक विद्यालय में तंबाकू खाता हो, सिगरेट पीता हो, तो विद्या का लय कर रहा है, विद्या को वहीं डुबा रहा है अध्यापक। और विद्यार्थी जो विद्या की अर्थी निकाल दे उसे कहते हैं विद्यार्थी। आप देखते नहीं है क्या कैसे विद्यालयों में तोड़फोड़ होती है, हड़ताल होती है, बच्चे क्या क्या करते हैं? कहां विद्या आएगी? तो जो विद्यार्थी, जो छात्र कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वहां जाकर हड़ताल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तमाम पर दंगे करते हैं, वो विद्यार्थी तो हैं, लेकिन वो कैसे विद्यार्थी हैं? विद्या की अर्थी निकालने वाले विद्यार्थी हैं। ऐसा विद्यार्थी किसी को नहीं बनना चाहिए। विद्यार्थी का अर्थ होता है अर्पित होकर विद्या अध्ययन करने वाला। अध्यापक गड़बड़ होगा तो बच्चों को अच्छी प्रेरणा कहां से देगा? अध्यापक बच्चों के जीवन का निर्माण करता है और स्वयं उनका जीवन गड़बड़ सड़बड़ है, आचरण गड़बड़ सड़बड़ है, दुर्व्यसन का सेवन करता है, तो ऐसे अध्यापक विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण करेगा, उन्हें डुबाएगा, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा होती है। ऐसे ही माता पिता की जिम्मेदारी होती है। पहला विद्यालय, पहली पाठशाला कौन है, कहां है? पहली पाठशाला है मां की गोद। मां की गोद से ही बच्चे पढ़ना सीखना समझना शुरू करते हैं। छोटा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा, बोल नहीं पाता लेकिन देखता तो है मां की एक एक हरकत, मां का रहन सहन, मां का खाना पीना, मां का उठना बैठना, मां का बात व्यवहार, सबको वो देखता है और देख देख करके ग्रहण करता रहता है, उसके संस्कार वैसे बनते रहते हैं। इसलिए माताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने आप को संभाल करके रखें, कोई गलत हरकत ना करें, गलत बात ना करें, जोर से ना बोलें, डांट करके ना बोलें, गलत खान पान ना करें, जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क और शरीर पर गलत प्रभाव हो। फिर
दूसरी पाठशाला है आपका घर। घर में रहने वाले जितने लोग हैं सब अध्यापक हैं बच्चे के लिए। बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि बहुत संभाल करके काम करें। बच्चों को प्रेरणा कहां से मिलेगी? जैसे जैसे वे अपने माता पिता को, बड़े भाई को, दादा दादी को या अन्य लोगों को, चाचा चाची को देखते हैं, वैसे वैसे तो उन्हें सीख मिलेगी, वैसे वैसे तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। छोटों को सीख देने के लिए बड़ों को अपने आप को व्यवस्थित करना होगा। शिकायत यही होती है, प्रायः बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि क्या करें, जमाना बड़ा खराब हो गया है, बच्चे बड़े कलजुगी निकल गए हैं। प्रश्न यह है कि ये कलजुगी बच्चे कहां से आए? सतयुगी माता पिता से कलजुगी बच्चे कैसे पैदा हो गए? बच्चे कलजुगी हैं, इसका मतलब यह है कहीं न कहीं माता पिता में भी त्रुटि है। कहीं अपवाद हो सकता है कि माता पिता पूरे के पूरे सज्जन हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े सुसभ्य हैं, और बच्चे गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे 100 में 2-3 हो सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की गड़बड़ी में माता पिता की ही गड़बड़ी हुआ करती है, कहीं न कहीं वे भूल कर रहे हैं, चाहे वाणी के द्वारा भूल करते हो, चाहे आचरण के द्वारा भूल करते हो, चाहे अन्य द्वारा भूल करते हो। अब जिस घर में पिता स्वयं बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, गाली बक रहा है, उस घर में बच्चे को अच्छे संस्कार कैसे मिलेंगे? वो उदाहरण दिया जाता है, अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा, मैं दोहरा देता हूं। एक आदमी था बड़ा शराबी, घर के लोगों ने रोका, माना नहीं। शराब की आदत जब पड़ जाती है तब छूटती नहीं है। पहले आदमी शराब को पीता है और जब आदत पड़ जाती है तब शराब आदमी को पी जाती है। इसीलिए कहा गया, गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। तो आदमी शराबी था, शराब पीता था, और शराबी आदमी काम धाम क्या करेगा? यहां वहां मटर गश्ती करना, घूमना, पत्नी जो कुछ काम करती थी उसे झटक कर जाकर शराब पीना। उसे एक छोटा बच्चा था, पढ़ता था, एक दिन विद्यालय से आया, बड़ा उदास, बड़ा दुखी, खाया पिया नहीं, सो गया। दूसरे दिन सुबह हुई, स्कूल जाने का समय हुआ, मां ने जगाया बच्चा, कहा कि मां आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा था कि बच्चे ने कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मां ने पूछा, बच्चे ने कहा आपको नहीं बताऊंगा, पिताजी को बताऊंगा। पिता आया, पूछा क्यों स्कूल नहीं जाओगे? बच्चे ने कहा कि पिताजी मेरे साथ कई बच्चे पढ़ते हैं, कल हम लोग पढ़ करके लौट रहे थे तो आपस में बच्चे चर्चा कर रहे थे, एक बच्चा कह रहा था कि मेरा पिता डॉक्टर है, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। एक कह रहा था कि मेरे पिता इंजीनियर है, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। एक कह रहा था कि मेरे पिता वकील है, मैं पढ़ लिख करके वकील बनूंगा। सब बच्चे कुछ न कुछ कह रहे थे कि मेरे पिता अमुक है, मैं ऐसा बनूंगा ऐसा बनूंगा। अंत में उन बच्चों ने मुझसे पूछा, तुम बताओ तुम क्या बनोगे? तो पिताजी उन बच्चों को मैं क्या उत्तर देता, मैं चुप रह गया।
कुछ उत्तर दे न सका। पिताजी आज मैं विद्यालय जाऊं और बच्चे यदि मुझसे पूछे बताओ तुम क्या बनोगे, तुम्हारे पिता क्या, तुम क्या बनोगे, तो मैं कह दूं मेरे पिता शराबी में पढ़कर शराबी बनूंगा। पिता को धक्का लगा, कह बेटा अब तक मैं भूल में था, तूने मेरी आंख खोल दी, अब आज से मैं संकल्प करता हूं मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब तुम जाओ विद्यालय पढ़ने के, तुमसे तुम्हारे साथी पूछे तुम क्या बनोगे, तो तुम ये कहना कि मैं और कुछ बन पाऊं या ना बन पाऊं, अच्छा आदमी जरूर बनूंगा। अच्छे आदमी बनने की जरूरत है। डॉक्टर अच्छे हों, मास्टर अच्छे हों, इंजीनियर अच्छे हों, कलेक्टर और मंत्री अच्छे हों, लेकिन अच्छा आदमी ना हो तो सबका अच्छा होना बेकार है। अब जो अच्छा आदमी हो गया उससे बड़ा और कौन होगा, आदमी ही तो भगवान है, आदमी से बड़ा और कौन होगा, उसकी शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही है। आदमी आदमी कैसे बने, आदमी में आदमियत कैसे आए, इंसानियत कैसे पनपे, कहीं की शिक्षा नहीं दी जा रही। इसकी शिक्षा केवल सत्संग में दी जाती है। संगुरुजनों की संगति वह विद्यालय है जहां हमें आदमी बनने की सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है और हमें हमारी मौलिकता का ज्ञान होता है, पता होता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उससे हम सुखी रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा मिले। प्रेरणा मिले या ना मिले हम तो सुखी रहेंगे, हमारा जीवन तो सुधरेगा। इसलिए हम सब अपने जीवन को सुधारें, स्वयं अच्छा बने, बस अच्छा बनेंगे तो आगे की और जो यात्रा है वह पूरी होगी। गुरुदेव जी विराजमान है, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं।